हेलो एवरीवन, आज हम 12th क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम सॉल्यूशन है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.16 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। What will be the vapor pressure of a mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? तो हमें vapor pressure जो है वो solution का बताना है। Solution में 26 gram heptane है और 35 gram जो है वो octane है। तो जो हमारा vapor pressure होगा solution का वो होगा partial vapor pressure of heptane plus पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। अगर हम हेप्टेन और ऑक्टेन के पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड कर दें तो हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो मिल जाएगा। अब पार्शियल वेपर प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, तो पार्शियल वेपर प्रेशर अगर हमें हेप्टेन का निकालना है तो ये कुल होता है वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन इन प्योर स्टेट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। इसी प्रकार पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इन प्योर स्टेट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। तो प्योर स्टेट में तो प्रेशर जो है वो हमको गिवन है 105.2 किलो पास्कल जो है वो हेप्टेन का दिया है और 46.8 किलो पास्कल जो है वो ऑक्टेन का दिया है। तो हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन अगर हमें पता चल जाए तो बस ये हमें पार्शियल वेपर प्रेशर दोनों के पता लग जाएंगे और दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो आ जाएगा। तो जो हमारा मोल फ्रैक्शन जो है वो हेप्टेन का निकालोगे तो क्या होगा, ये होगा मोल ऑफ हेप्टेन अपॉन टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। तो हमारे मिक्सचर में क्या हेप्टेन और ऑक्टेन है तो टोटल मोल किसके हो जाएंगे, मोल ऑफ हेप्टेन प्लस मोल ऑफ ऑक्टेन। और मोल निकालना है तो मोल क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट, तो वेट गिवन है, मोलर वेट हमें पता चल जाता है तो बस मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। इसी प्रकार मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन ये क्या होगा, मोल ऑफ ऑक्टेन अपॉन टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर में क्या है, ऑक्टेन है और हेप्टेन के मोल हैं। और मोल क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट होता है, तो बस वेट हमें पता है तो मोलर वेट पता चल जाता है तो हम मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन हमको पता चल गया, हमको प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पता है तो हम इनके पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल लेंगे और पार्शियल वेपर प्रेशर हमको पता चल गए तो हम मिक्सचर का वेपर प्रेशर जो है वो निकाल पाएंगे। ये सारी प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन जो है वो दोनों के निकालते हैं। तो अब हम मोल फ्रैक्शन जो है वो हेप्टेन का निकाल रहे हैं तो मोल किसके लेना है, हेप्टेन के। और मोल क्या होता है, वो होता है वेट बाय मोलर वेट। तो वेट तो हेप्टेन का कितना दिया है 26 ग्राम, मोलर वेट हेप्टेन का कैसे निकालोगे। तो देखो भाई, हेप्टेन फॉर्मूला होगा C7H16 और मोलर वेट आएगा कार्बन 12 इंटू 7 करोगे प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 16 करोगे तो ये आएगा 100। ठीक है, ऑक्टेन जो है वो होता है C8H18 तो इसका मोलर वेट होगा 12 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 18 तो ये होगा 140। तो 26 अपॉन 100, मोल किसके हेप्टेन के, तो 26 अपॉन 100 प्लस 35 अपॉन
140। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.458। इसी प्रकार मोल फ्रैक्शन हमें ऑक्टेन का निकालना है, तो ऑक्टेन के मोल, तो ऑक्टेन का मास कितना होता है 35, मोलर वेट 114, तो ये ऑक्टेन के मोल हो गए, अपॉन ऑक्टेन के मोल प्लस हेप्टेन के मोल, तो ऑक्टेन के मोल 35 अपॉन 114 प्लस हेप्टेन के मोल 26 अपॉन 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.541। तो मोल फ्रैक्शन हेप्टेन और ऑक्टेन के जो है वो हमारे पास आ चुके हैं। तो मोल फ्रैक्शन आने के बाद हम पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो निकालेंगे। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन ये कुल होता है, वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, तो ये आएगा पार्शियल वेपर प्रेशर कितना दिया है 105.2 इनटू मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का कितना आया 0.458। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारा 48.18 किलो पास्कल। इसी प्रकार पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन ये किसके इक्वल होता है, ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट ऑफ ऑक्टेन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना दिया है ऑक्टेन का, ये है 46.8 इनटू मोल फ्रैक्शन कितना है 0.541। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 25.32 किलो पास्कल। बस अब हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चाहिए। तो ये क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। तो पार्शियल वेपर प्रेशर हेप्टेन का कितना दिया है 48.18, ऑक्टेन का कितना है 25.32। तो ये आएगा जब आप सम करोगे तो 73.5 किलो पास्कल। तो ये हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.17 है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। तो हमारा सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। तो ये हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर जो है वो फिल है, पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो वेपर बनेगी वो किसकी बनेगी, तो ये वेपर किसकी होगी, सॉल्वेंट की होगी। और ये जो वेपर प्रेशर अप्लाई होगा किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ही है प्योर स्टेट में, जब सॉल्यूट कैसा हो आपका, नॉन वोलेटाइल हो। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यही हमारा राउल्ट्स लॉ कहलाता है। तो बस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो दिया है 12.3, अब हमें मोल फ्रैक्शन जो है वो वाटर का निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन वाटर का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन वाटर का कैसे निकालोगे, मोल ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में मोल किसके हैं, सॉल्यूट के मोल हैं प्लस सॉल्वेंट के मोल हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन का मोल हो गया। तो अगर हमें वाटर के मोल और सॉल्यूट के मोल पता चल जाए तो मोल फ्रैक्शन वाटर का आ जाएगा, और वाटर का मोल फ्रैक्शन जैसे ही हमको पता चलेगा वैसे हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो निकाल लेंगे। तो हमको यहाँ पे दिया है वन मोलर सॉल्यूशन, तो वन मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वन मोलर सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैलिटी वन है, और मोलैलिटी वन है इसका मतलब है कि वन मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ
सॉल्वेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी मोलैलिटी कहलाती है। तो सॉल्यूट के मोल तो हमें पता चल गया कि 1 है, अब सॉल्वेंट के मोल पता चलाना है, तो सॉल्वेंट का वेट तो हमें पता है और मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर वेट। तो सॉल्वेंट तो वाटर है, तो वाटर का वेट 1000 है और मोलर वेट 18 होता है, तो ये आएगा 55.55। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो बस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 12.3 दिया है, इनटू मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का, तो मोल ऑफ वाटर कितने हैं, 55.55 अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1 प्लस मोल ऑफ वाटर कितना है, 55.55। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आएगा 12.08, यूनिट क्या होगी, किलो पास्कल, क्योंकि ये वाला वेपर प्रेशर किलो पास्कल में है। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2.18 है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास सॉल्यूट का 40 ग्राम पर मोल है, विच शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 80%। तो हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेट जो है वो डिटरमाइन करना है। अब चूंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो रिडक्शन हो रहा है, वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लगेगा। तो जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होता है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अप्लाई होता है, और ये क्या होता है, ये होता है प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन किसके, सॉल्यूट के, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा जो है वो फॉर्मूला बन गया है। तो वैल्यू पुट करना है, पी नॉट ए कितना है वेपर प्रेशर, सपोज कि हमने 1 एटमॉस्फेरिक माना, ठीक है, और वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 80% हो गया, तो ये 0.8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 का 80% कितना होगा, 0.83 होगा, क्लियर है, अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 1 है इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हमें निकालना है, मोलर वेट सॉल्यूट का 40 दिया है, अपॉन वेट अपॉन 40 प्लस सॉल्वेंट का वेट कितना है 114 अपॉन मोलर वेट, ऑक्टेन का कैसे निकालोगे, तो ऑक्टेन होता है C8H18, तो 12 × 8 करोगे प्लस 1 × 18 करोगे, तो ये आएगा 114, तो 114 आया। तो वेट जो है सॉल्यूट का आ जाएगा 10 ग्राम जब आप इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.19 है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल एट 298 केल्विन, फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू द सॉल्यूशन एंड द न्यू वेपर प्रेशर बिकम 2.9 किलो पास्कल एट 298 केल्विन, कैलकुलेट नंबर फर्स्ट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सेकेंड है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो देखो सर,
हमको एक सॉल्यूशन में 30 ग्राम जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, 90 ग्राम वाटर में और वेपर प्रेशर है 2.8 किलो पास्कल। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 2.8 किलो पास्कल है। जब हमने उसमें 18 ग्राम वाटर जो है और ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 2.9 किलो पास्कल हो गया। तो हमें मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का और वेपर प्रेशर जो है बताना है वाटर का। तो देखो जरा, जब हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है तो राउल्ट्स लॉ जो है वो अप्लाई होता है। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दिया है कितना दिया है, 2.8 दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या होगा, मोल ऑफ वाटर अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ वाटर। तो 2.8 इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल ऑफ वाटर। कैसे निकालोगे, तो मोल क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट। तो वाटर का वेट कितना है 90 अपॉन 18, इसका मोलर वेट है वाटर का, प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, तो 30 ग्राम सॉल्यूट है मोलर वेट सॉल्यूट का, ये तो हमें निकालना है, ठीक है, प्लस 90 अपॉन 18। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया वन। अब सेकंड केस क्या है, 18 ग्राम वाटर जो है हमने ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चेंज हो गया 2.9 किलो पास्कल हो गया। तो यहां भी राउल्ट्स लॉ लगेगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2.9 किलो पास्कल हो गया, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर पता नहीं, मोल फ्रैक्शन जो है वाटर का कितना होगा। तो अब वाटर 90 ग्राम पहले था, 18 ग्राम ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 108 ग्राम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। 18 जो है इसका मोलर वेट होता है, सॉल्यूट का मोल तो सेम रहेगा, ये 108 प्लस 18 ये वाटर के मोल हो गए। ये हमारी इक्वेशन जो है वो टू हो गई, क्लियर है। इक्वेशन वन में इक्वेशन टू को डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा 2.8 अपॉन 2.9 इक्वल टू पी नॉट ए इनटू ये 90 अपॉन 18 प्लस 30 अपॉन एम प्लस 90 अपॉन 18 डिवाइडेड बाय, ये लिखा जाएगा 108 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 30 अपॉन एम प्लस 108 अपॉन 80। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, मोलर वेट जो है हमारा, ये जो मोलर वेट है सॉल्यूट का वो आएगा 23 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो मोलर वेट हमारा सॉल्यूट का 23 ग्राम पर मोल जो है वो निकल आएगा। तो अब हमें वेपर प्रेशर जो है वो वाटर का डिटरमाइन करना है, मोलर वेट जो है वो सॉल्यूट का 23 आ गया। तो देखो कैसे करेंगे, जो हमारे इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू आई थी ना, वहां पे मोलर वेट 23 रख दो तो बस वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट का आ जाएगा, वाटर का आ जाएगा, ये ना वेपर प्रेशर वाटर का। तो चलो इक्वेशन वन यहाँ पे लिखी हुई है तो यहीं पे हम मोलर वेट जो है वो सॉल्यूट का रख देते हैं। तो रखा जाएगा 2.8, ये लिखा इक्वल टू पी नॉट ए, ये डिटरमाइन करना है, इनटू 19 अपॉन 80 डिवाइडेड बाय 30, सॉल्यूट का मोलर वेट कितना आया 23 प्लस 90 अपॉन 80। तो जब आप ये सब सॉल्व करोगे तो वेपर प्रेशर जो है वो वाटर का आ जाएगा 3.53 किलो पास्कल। ये जो 23 आया था मोलर वेट, अगर इसको आप इक्वेशन नंबर टू में रखते तो भी आंसर यही आता।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 2.20, ऑफ 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ कैन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। तो हमारे पास कैन शुगर है 5% है, बाय वेट है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का 271 केल्विन है। अब हमारे पास ग्लूकोज भी 5% है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है प्योर सॉल्वेंट का 273.15 केल्विन दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बताना हमें कि कितना होगा, तो बता देते हैं उसमें क्या है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है डेल टी एफ, ये होता है के एफ इंटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है हम सबसे पहले केन शुगर का बताएंगे, तो डेल टी एफ जो है वो क्या होगा, क्योंकि वाटर का जहां पे फ्रीजिंग पॉइंट इतना दिया है और सॉल्यूशन का 271 केल्विन है, तो ये होगा टी नॉट एफ माइनस टी एस इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15 माइनस सॉल्यूशन का कितना है 271 इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। क्या होती है मोल पर किलोग्राम, तो मोल जो है वो सॉल्यूट के कैसे निकालोगे, तो मोलैलिटी का हमारा फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो 5% केन शुगर है मतलब 5 ग्राम जो आपका सॉल्यूट है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, याद रखना 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। तो ये तो आ जाएगा 2.15 इक्वल टू के एफ इंटू वेट जो है वो 5 ग्राम है सॉल्यूट का, ठीक है। केन शुगर का मोलर वेट जो है वो 342 होता है। केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, कार्बन का 12 मास होता है इंटू 12 करोगे प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 22 करोगे प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 11 करोगे तो ये आएगा 342 लिख दिया। इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो सॉल्यूशन का वेट 100 है क्योंकि 5% सॉल्यूशन है, तो मतलब 5 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, तो 100 माइनस 5 करोगे तो ये आपका सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा, क्लियर है। तो ये बनेगा हमारा 2.15 इक्वल टू के एफ इंटू 5 अपॉन 342 इंटू 95, भी हमारी इक्वेशन बन हो गई, ठीक। अब ऐसी ग्लूकोज के लिए कर लेते हैं, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी जो है वो क्या होती है वेट बाय मोलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट 5 है, ग्लूकोज का मोलर वेट 180 होता है इंटू सॉल्वेंट का वेट 95 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन जो है वो सेकेंड हो गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं, तो कर देते हैं डिवाइड। तो डेल टी एफ अपॉन 2.15 इक्वल टू के एफ अपॉन के एफ, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू 5 अपॉन 180 इंटू 95 अपॉन इक्वेशन 1 ये दिया है 5 अपॉन 342 इंटू 95। जब ये आप डिवाइड कर दोगे ये से कैंसिल हो गया, तो डेल टी एफ जो है निकल आएगा 4.085 केल्विन। तो बस हमें पता है डेल टी एफ इक्वल टू क्या होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये दिया है 4.085 इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट का कितना दिया है 273.15 माइनस टी एफ, तो टी एफ जो है वो सॉल्यूशन का कितना आएगा 273.15 माइनस 4.085, तो ये आ जाएगा 269.07 केल्विन। बस ये हमारा
फ्रीजिंग पॉइंट हो गया किसका, सॉल्यूशन का। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 2.16 से 2.20। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक कर उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।